हेलो बच्चों, आज हम एक और टॉपिक देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, वचन। इसके पहले हमने लिंग देखा था, अव्यय देखा था, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ये 9 टॉपिक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट, हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में, या फिर हिंदी उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल का अलग से प्लेलिस्ट है, मराठी का भी अलग से प्लेलिस्ट है, इंग्लिश का भी, इंग्लिश राइटिंग स्किल, मराठी राइटिंग स्किल, सबके अलग प्लेलिस्ट है। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, हाई रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। आप लो रेजोल्यूशन पे देखते हो 144 पे, 240 पे या फिर 360 पे भी उतना क्लियर नहीं दिखता, इन सब पे उतना क्लियर नहीं दिखेगा। आप देखोगे हाई रेजोल्यूशन पे तो आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम रहती है, कमेंट्स आते हैं बार बार कि मिस ब्लर है, ब्लर है, ब्लर बिल्कुल नहीं है, एक एक वर्ड यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अभी। अब देखिए, जैसे कि हमें, मैं अगर आपको बताऊं तो लिंग वचन ये दोनों ही आपको 5th स्टैंडर्ड से और उसके भी एक्चुअली लोअर स्टैंडर्ड से अगर हम देखें तो ये वचन हमें पढ़ाए जाते हैं। वन मेनी आपने इंग्लिश में पढ़ा है, सिंगुलर प्लूरल आपने इंग्लिश में पढ़ा है, सेम थिंग है हमारा वचन, एक वचन, बहुवचन। ओके, तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और ये हर स्टैंडर्ड में आता है, 5th थ्रू 10th। मेरी दुकान आज बंद है, आज सब दुकानें बंद हैं। अब यहाँ पे सब आया तो इसमें बहुत सारी दुकानें आ गई, तो ये यहाँ पे हमने ऐसे नहीं ले सकते आज सब दुकान बंद है, तो वो रॉन्ग सेंटेंस। एक्चुअली जब आपको एक सेंटेंस आता, एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध करो, सेंटेंस को शुद्ध करो, तो उसमें एक एक मात्रा, एक एक वर्ड सब चेक करते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो, मेरी दुकान आज बंद है, तो मेरी ये एक वचन है, तो उसके साथ में दुकान को भी हमने एक वचन ही रखा है। आज सब दुकानें, अब यहाँ पर देखो दुकान से दुकानें हो गया, ये बहुवचन है। गमला एक वचन है, गमले बहुवचन है, स्त्री स्त्रियाँ, तो यानी इस साइड एक वचन है, इस साइड बहुवचन की है, खिड़की एक वचन, खिड़कियाँ बहुवचन। यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि दुकान शब्द से एक शब्द, एक दुकान का बोध होता है, एक दुकान का पता चलता है, और सब दुकानों में, सब दुकानें से एक से अधिक दुकानों के बारे में पता चलता है। गमला शब्द एक गमले के बारे में बताता है, और तीन गमले से एक से अधिक गमलों के बारे में पता चलता है। अगर तीन ना भी हो, गमलों बोल दिया या गमले बोल दिया, तो यानी कि बहुत सारे गमले आ गए, यहाँ पे बहुत सारे गमला आ गया। गमला होता है फ्लावर पॉट जिसमें पौधे लगाते हैं, वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया गया। खिड़की खिड़कियाँ एक से अधिक खिड़की के बारे में बताता है, स्त्री एक स्त्री के बारे में बता रहा है, जबकि स्त्रियाँ अधिक स्त्रियों को सूचित करती हैं, ठीक, अधिक स्त्रियों को, अधिक स्त्रियों के बारे में बात करता है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है वही वचन कहलाता है, और ये सब के सब क्या होते हैं, संज्ञा ही होते हैं, संज्ञा की संख्या बताते हैं कि एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, कितने हैं, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध हो वचन कहलाता है, यानी कि सेम चीज़ वही कि किसी संज्ञा को, किसी संज्ञा का रूप कैसा है, एक है या अनेक है, तो जिससे उस बात का बोध हो वही वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन, बहुवचन, इंग्लिश में भी दो ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, वन या मेनी। एक वचन किसी एक व्यक्ति, वस्तु या एक स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं, लड़का, बिल्ली, कलम, नदी। अब यही बहुवचन कहें तो यहाँ पर देखो, बहुवचन को यहाँ पर कर दिया, लड़का का लड़के कर दिया, बिल्ली का बिल्लियाँ, कलम का कलमे, नदी का नदियाँ आदि, यानी अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध करने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं। अब एक और आता है अंत स्वर, किसी एक वचन शब्द का बहुवचन रूप उस शब्द के अंत स्वर पर आधारित होता है, यानी कि किसी एक वचन शब्द का बहुवचन रूप उसका जो अंत स्वर है, आगे हम समझेंगे ये क्या कहा जा रहा है। पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप, पुल्लिंग, पुलिंग इसके पहले हमने पढ़ा था ना, पुलिंग स्त्रीलिंग, लिंग के बारे में जब हमने पढ़ा था तो यही हमने पढ़ा था। तो पुलिंग यानी अकारांत, लास्ट में अगर अ हमने, अगर आप इसके पहले वाला टॉपिक देखोगे तो ये सारी चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। पुलिंग अकारांत यानी जैसे ल है लास्ट में, यहाँ पे क है लास्ट में, यहाँ पे न है लास्ट में, यहाँ पे ख है लास्ट में, यहाँ पे भी न लास्ट में, अ, तो ये सब क्या अ की मात्रा दे रहे हैं, इसीलिए बोला है अ से समाप्त होने वाले शब्द, अकारांत वाले शब्द। पुल्लिंग अकारांत शब्दों में वचन बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जैसे देखो फूल, अगर लास्ट में क्या बोला गया है, अगर पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और
अ से लास्ट में अकारांत से स्टार्ट हो ख़त्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे लास्ट में ल है, लास्ट में क है, तो अ की मात्रा आ रही ना, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनका बहुवचन बनाने पर कोई चेंजेस ही नहीं होता। जैसे फूल एक वचन है तो उसका बहुवचन भी फूल ही होगा। जैसे हम गाते हैं फूलों का तारों का सबका कहना है, लेकिन वो हम जस्ट क्या कर रहे हैं उसको, हम गाना बनाने के लिए गाना बिठाने के लिए वैसा हम बोल देते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो शुद्धता की बात करें तो फूल का बहुवचन नहीं होता, फूल का फूल ही होता है, बहुत सारे फूल। अगर बहुवचन बनाना है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारे फूल हैं, यहाँ पे एक फूल है, यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, बहुत यूज़ कर सकते हैं। आलोक, आलोक ही होगा, आलोक यानी प्रकाशवान, प्रकाश। दान का दान ही होगा। अब दानों, दाने बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना बहुवचन। दुख का दुखी होगा, दुखे, दुखों बोलते हैं ना, दुखों का पहाड़, बहुत सारे दुखों का पहाड़ हो गया। लेकिन बहुवचन हम जब बनाते हैं तो दुख का दुख ही रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फागुन का फागुन ही होगा, बंधन का बंधन ही होगा। अब आपने सुना होगा हिंदी में गानों में बंधनों ही बंधनों भी बोल देते हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, पर वो रॉन्ग है, ठीक है। वो बोलने के टाइम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उसका कोई बहुवचन नहीं बनता। दृश्य, दृश्यों भी बोलते हैं बहुत लोग, दृश्यों, लेकिन वो उसका बहुवचन दृश्य का दृश्य ही होगा। दाग, दाग। पुत्र, पुत्र ही होगा, पुत्रों भी बोलते ना, पुत्रों, हे पुत्रों, बहुत सारे पुत्र आ गए उसमें, लेकिन उसका बहुवचन पुत्र ही होता है। चित्र का चित्र ही होता है, बालक का बालक ही होता है, शेर का शेर ही होता है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो तो हम बहुत बार बहुवचन बनाते टाइम हम कर देते हैं, पुत्र का पुत्रों, चित्र का चित्रों, बालक का बालकों, ठीक है, शेर का शेरों, शेरों का झुंड बोल देते हैं ना, लेकिन वो शेर का झुंड ही होगा, ठीक है, बहुवचन का उसका शेर ही होगा। हम ये बोल सकते हैं बहुत सारे शेर हैं यहाँ पे, लेकिन इसका बहुवचन शेर ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पुलिंग अकारांत, वो अकारांत था, ये आकारांत है, यानी आ है लास्ट में, अगर आ है जैसे पालना तो लास्ट में क्या आ रहा है, ना, तो आकारांत हुआ ना, डंडा, तो लास्ट में डा आया, डा, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, आकारांत। तो ऐसे कैसे बदलेगा फिर, ये जब हम बदलते हैं तो आ का ए हो जाता है, लास्ट में अगर आ आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको जब हम बहुवचन बदलेंगे तो ए में हम उसको बदल लेंगे, ठीक है। पालना, पालने, डंडा, डंडे, तरीका, तरीके, खूंटा, खूंटे, कमरा, कमरे, कारखाना, कारखाने, चेहरा, चेहरे, इशारा, इशारे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आ था ए किया, आ था ए किया, ये लास्ट में भी आ था तो ए किया, आ था तो ए किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब समझते हैं, ऐसा हमने लिंग का भी समझा था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला। पुलिंग इकारांत, अगर पुलिंग इकारांत है, पुलिंग की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, स्त्रीलिंग की नहीं, पुलिंग इकारांत, लास्ट में क्या है, ई है अगर, तो ई यहाँ पे देखो, कवि, तो कवि का भी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पे वही बोला है कि लास्ट में अगर ई पुलिंग है, क्या है वर्ड, पुलिंग है, और लास्ट में ई से ख़त्म हो रहा है, लास्ट में ई की मात्रा आ रही है, तो उसका भी बहुवचन बनाते टाइम एज इट इज़ ही रखेंगे। यति, यति ही रहेगा, ऋषि, ऋषि ही रहेगा, मुनि, मुनि। तो ये आपको कुछ ट्रिक है, ये आप समझ सकते हो। पुलिंग इकारांत ई से समाप्त होने वाले, तो अगर लास्ट में बड़ी की भी मात्रा आ रही है तो भी, यानी अ की मात्रा है, चाहे छोटी की मात्रा है, चाहे बड़ी की मात्रा है, लेकिन किस में, पुलिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, तो भी, जैसे अब यहाँ पे देखो, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बराबर, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। बोलने के लिए हम बोल देते हैं साथियों, हाथियों का झुंड, पड़ोसियों, आदमियों, बट वो हम बोलने में बोल देते हैं, लेकिन वो राइट नहीं है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुलिंग उकारांत, यहाँ पे भी आप देखो, पुलिंग उकारांत ऊ से समाप्त होने वाला शब्द, इस पे भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लास्ट में अगर ऊ है, छोटा ऊ का मात्रा, तो देखो बोलने के टाइम हम बोल देते हैं पशुओं, पशुओं का चरागाह, साधुओं की जनसंख्या, या साधुओं का झुंड, या साधुओं की सभा, लेकिन बोलने में बोलते हैं, बट वही सेम चीज़ कि ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे देखो, सेम चीज़ यहाँ पे भी है भाई, पुलिंग अगर है कोई वर्ड और लास्ट में ऊ से ख़त्म हो रहा है, चाकू, चाकू ही होगा, डाकू, डाकू ही होगा,
इसमें भी हम बोल देते हैं डाकुओं का समूह, डाकुओं का झुंड, डाकुओं की टोली, बट वो बोलने में बोलते हैं, लिखने में हम जब हमें एग्ज़ाम में आएगा तो हमें उसका पुलिंग इसी तरीके से लिखना होगा जैसा बुक में दिया गया है। अब स्त्रीलिंग शब्दों का एकवचन और बहुवचन समझते हैं। अब स्त्रीलिंग में अगर स्त्रीलिंग वर्ड है और लास्ट में, अब स्त्रीलिंग देखो, अब ये स्त्रीलिंग हम ये जब तक आप लिंग पहले इसके पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा ये सब के सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग क्यों है यहाँ पे, वहाँ पे हमने समझा था। तो स्त्रीलिंग देखो शाम, तो अ से है अगर तो लास्ट में अ आ रहा है, लास्ट में वही बोला है अकारांत, यानी लास्ट में अगर अ की मात्रा आ रही है तो जब हम उसका वचन बदलेंगे तो अ का ए हो जाता है, यानी डॉट आएगा ए की मात्रा पे। शाम, शामे, आपने ये गाना सुना होगा शामे मलंग सी, कुछ ऐसे ही है ना गाना, तो वहाँ पे आप सुन सकते हो ऐसे शामो नहीं होता। आँख, आँखें होता है, बोलने वाले आँखों ही बोलते हैं, आँखों देखा हाल, आँखों में, ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं लेकिन वो पुलिंग नहीं होता है, वो ऐसे ही बोल देते हैं। टांग, टांगे। ज़रूरत, ज़रूरतें। आवाज़, आवाज़ें। पत्तल, पत्तलें। लहर, लहरें। सूरत, सूरतें। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने जब बदला तो वही अ की मात्रा को हमने ए की मात्रा में बदल दिया, वही अ की मात्रा को हमने ए की मात्रा में सिर्फ बदला हुआ है और कुछ भी चेंजेस यहाँ पे हुआ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। स्त्रीलिंग अकारांत आ से समाप्त, अभी हमने अ से समाप्त हो रहा है वो देखा, अब यही लास्ट में आ आए जैसे हमने पुलिंग में देखा था तो इसमें भी वही जुड़ेगा ए, यानी चंद्राकार बिंदी, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जस्ट डॉट था। कुंठा, कुंठाएं, यानी आ के साथ ए जुड़ जाता है, आ तो है ही, कुंठे नहीं होगा, सिर्फ ए नहीं जुड़ेगा बल्कि उस आ के साथ ही ए भी जुड़ेगा। कुंठाएं, गाथा, तो ए तो जुड़ ही रहा है लेकिन उसका आ भी ऐड रहेगा उसमें, गाथे नहीं हो जाएगा, गाथाएं। समस्या, समस्याएं। इच्छा, इच्छाएं। घटना, घटनाएं। परीक्षा, परीक्षाएं। कविता, कविताएं। प्रथा, प्रथाएं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ट्रिक तो हम उतना याद नहीं रख सकते लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते जाते हैं बहुत सारे बुक्स पढ़ लेते हैं या आपने ध्यान से अगर आप रीडिंग करते हो ना, अगर ध्यान से रीडिंग करते हैं ना तो बहुत सारी नॉलेज तो हमें, चाहे वो ग्रामर की बात हो, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, हमें बहुत सारी नॉलेज वैसे ही मिल जाता है। अब लिंग की बात करें या वचन की बात करें, समय की बात करें, क्रिया की बात करें, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं ना हमको नॉलेज मिलता ही जाता है किस तरह इसके से लिखते हैं। अगर मैं संधि विच्छेद भी बताऊं या कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम अगर रीडिंग करते जाएं ना तो ही हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो रीडिंग ध्यान से किया कीजिए अपने बुक्स के, अपने लेसन के। स्त्रीलिंग का रात, अगर लास्ट में ई से समाप्त हो रहा है, छोटी की मात्रा आपको पता है पीछे से वर्ड लेटर के पीछे से लाइन और एक छोटी मात्रा ऐसे पीछे से रहती है, तो इसमें क्या होता है या जुड़ जाता है, तो सिर्फ या जुड़ रहा है वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे अब देखो, राशि, राशियाँ, नीति, नीतियाँ, गति, गतियाँ, तिथि, तिथियाँ, औषधि, औषधियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, सेम चीज़ें हैं, वही मात्राएँ हैं, बस हमने क्या जोड़ा उसमें यहाँ जोड़ा है, तो ये चीज़ें रखो याद में। अब वही बड़ी ई की मात्रा अगर आ गई तो क्या, तो बड़ी की मात्रा आ गई तो यहाँ पे देखो स्त्रीलिंग इकारांत, यानी बड़ी ई अगर है लास्ट में, जैसे लाठी, थैली, रोटी, दासी, निशानी, उंगली, मिठाई, पूड़ी, सब बड़ी की मात्रा है, तो स्त्रीलिंग इकारांत शब्दों के में वचन बदलने पर ई का इयां हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे समझो, ये इयां छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा को हमने, हमें क्या करना है, छोटी की मात्रा करना है क्योंकि हमें उसमें ये जो इसी में चेंज करना है ना, तो इसी को हमें जो बड़ी की मात्रा है उसको हमें छोटी की मात्रा बना देनी है। तो लाठी, लाठियाँ छोटी की मात्रा हो गई, इसकी मात्रा हो गई, थैली, थैलियाँ, रोटी, रोटियाँ। अब यहाँ पर देखो सब जगह बड़ी, बच्चे क्या करते हैं बहुवचन बनाते टाइम इसको वैसे ही रखने देते हैं, बहुत बार मैंने देखा है ऐसा। निशानी, निशानियाँ, उंगली, उंगलियाँ, सब छोटी की मात्रा हो गई, यहाँ पे बड़ी थी, यहाँ पे देखो छोटी हो गया। अब स्त्रीलिंग उकारांत देखते हैं, समझते हैं। स्त्रीलिंग उकारांत ऊ से समाप्त होने वाले शब्द, लास्ट में अगर ऊ है, धातु, ऋतु, तो इसमें
ए जुड़ जाता है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ए, तो धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा ए जुड़ गया। स्त्रीलिंग उकारांत, उ से समाप्त होने वाले शब्द, तो यहाँ पे देखो समझो स्त्रीलिंग उकारांत शब्दों में वचन बदलने पर उ का उ होकर ए जुड़ जाता है। समझो यहाँ पे बड़ा उ है ये, और इसमें क्या है छोटा उ कर दिया जाता है इसे, और उसमें ए जुड़ जाता है। जैसे देखो बहु, तो इसमें क्या जोड़ दिया छोटा उ जोड़ दिया और ए जोड़ दिया, बहु बहुएं, गौ गौएं, वधु वधुएं। अब यहाँ पे देखो गौवें में हमने यहाँ पे क्योंकि सिर्फ गौ था, यहाँ पे बड़ा उ था ही नहीं, तो उसमें सिर्फ हमने ए जोड़ा, ठीक है ओके। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, बाल, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये सब ऑलरेडी बहुवचन है, इसका कोई बहुवचन नहीं है, इसका कोई एकवचन नहीं है, आंसू आंसू ही है, ठीक है। बाल बालों नहीं बोलते, बोलने के लिए बोल देते हैं लोग, बट उसका अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो बाल का बाल ही रहेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे तो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, लिख के भी दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कुछ समझाने की ज़रूरत है ओके। यहाँ आगे भी देख लीजिए, समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही बच्चों, यहाँ पे बस यही बोला गया है कि एकवचन और बहुवचन को अलग करके लिखना है, तो हमने एकवचन में ये सब ढूंढ ढूंढ के लिख लिया समझ समझ के, और बहुवचन में हमने ये सब लिख लिया। आप खुद भी समझिए यहाँ पे, आपको कोई वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट सेक्शन बताते जाइए। और हमने स्टार्ट किया है एक बच्चों के लिए स्टोरी रीडिंग, भी उसमें आप समझ सकते हो स्टोरी के थ्रू इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, रीडिंग कैसे कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे हम ग्रामर वगैरह नहीं बता रहे हैं, जस्ट हम रीडिंग कर रहे हैं और एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखो, और अगर आपको लगता है कि हम वहाँ पे ग्रामर को भी एक्सप्लेन करते जाएँ कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है, अगर आपको लगता है आप देखिए वो वीडियोज़ पहले स्टोरीज़ के, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए, उसमें कुछ और चेंजेस चाहिए तो आप वो भी बताइए, हम वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के हिसाब से चेंज करना है। अब यहाँ पे गाय खेत में चर रही है, अब हमको उसको बनाना है किसमें बहुवचन में, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है ऐसा कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। गाय खेत में चर रही है, गायें खेत में चर रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है होगा ना वहाँ पे डॉट आ जाएगा और गाय का गाय तो हो ही जाएगा, बहुत सारे जब आ गया तो हम उसको हमें डॉट लगाते हैं, वह तो इधर ही आ रहा है, वे तो इधर ही आ रहे हैं। अब जैसे ये चेंज हुआ वैसे ही क्रिया भी चेंज हो जाता है, आपको याद है अव्यय मैंने पढ़ाया था, तो देखो यहाँ पे ये चेंज हुआ, ये था यहाँ पे ये चेंज हुआ, मतलब ये जो सब्जेक्ट है और क्रिया है वो चेंज हुआ, लेकिन अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो इधर, तो यही हमारा क्या होता है अव्यय, याद आया आपको, देख लेना ज़रूर से वो वीडियो। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है, आपको लगता है मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं या किस तरीके से आपको पसंद है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वीडियोस आपके लिए बन रहे हैं, अगर आपको ही नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ मतलब नहीं है मेरा वीडियो बना के इतनी मेहनत करके, ठीक है। तो आप मुझे आइडिया बताइए आपको कैसे पसंद है, ऐसे ही पसंद है तो कोई बात नहीं, कुछ कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो जस्ट लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको लगता है कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये सब भी आप देख सकते हो कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। अब यहाँ पे दुकानें ऑलरेडी दी गई हैं, दुकान का दुकानें किया, प्रार्थना का प्रार्थनाएं किया, अनुभूति का अनुभूतियाँ अनुभूतियाँ, ये अनुभूतियाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, भूतियाँ इस तरीके से आएगा, ये यह है, ठीक है, अनुभूतियाँ, ये
छोटी की मात्रा आएगा यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था ना। जैसे अब आप यहाँ पे समझिए कि ये क्या है, ये लास्ट में ई की मात्रा आ रही है बराबर। तो ई की मात्रा ए ई अगर रहेगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा उसने क्या किया था, उसने बड़ी की मात्रा लगाई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखो जैसे नीति है, वहाँ पे हमने क्या देखा, अनुभूति था, और यहाँ पे नीति है। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने इसको छोटी की मात्रा ही रहने दिया ना। तो वहाँ पे उस बच्चे ने क्या गलती की है, उसने गलती की है कि उसको उसने बड़ी की मात्रा लिख दी है। जस्ट मिनट, यहाँ पे समझो, यही मैंने आपको बताया। पहली चीज़ तो यहाँ पे उसने नू नहीं लिखा है, अनु, तो यहाँ पे उभूतियाँ लिखी ना, तो पूरा ही पूरा रॉन्ग है। तो अनु तो ऐसा ही आएगा और भू भी वैसे ही आएगा, ती के बाद बस आपको ऐसे कर देना, अनुभूतियाँ हो गया रॉन्ग, इसका ये रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी उसने रॉन्ग लिखा है, बड़ी की मात्रा दी है, छोटी की मात्रा आएगी। इसने यहाँ पे क्या रॉन्ग किया है, सिर्फ ये ती को पीछे की मात्रा आएगी। कपड़ा कपड़े, मनु दुकान पर कपड़े खरीद रहा है, ये तो सही है। नेता का, अब नेताएं नहीं होता, नेताओं नहीं होता, नेतागण होता है। मंच पर केवल नेतागण ही बैठे थे। और देख लेती हूँ मैं कुछ इसने रॉन्ग किया होगा तो। और तो मुझे यहाँ पे कुछ रॉन्ग नहीं लग रहा है। झूलों पर बच्चे झूल रहे हैं, ये भी सही है। गमलों में पौधे लगे हैं, तो ये गमलों की जगह पे गमले आएगा, तो ये यहाँ पे सही किया हुआ है, बराबर है। कहानियाँ, नानी कहानियाँ सुनाती हैं, नानी कहानी सुनाती हैं, ठीक है, बाकी सब सही है।